प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका। इससे पहले हमने आपको ये बताया था कि अलग अलग कंडीशंस में किसी समतल के सदिश समीकरण किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, और तब आपसे हमने ये भी कहा था कि इस सूत्रों के ऊपर आधारित संख्यात्मक प्रश्न आपसे हम बाद में समझाएंगे। तो आज उसी संदर्भ में आपको हम एक को प्रश्न समझा रहे हैं जिसमें आपसे समतल का समीकरण ज्ञात करवाया है। आज का हमारा प्रश्न है बिंदु 2i कैप + 3j कैप - k कैप से जाने वाला तथा सदिश 3i कैप - 2j कैप - 2k कैप पर लंब समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करो। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको एक ऐसे समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो इस दिए हुए बिंदु से तो होकर जाता है और साथ ही साथ इस दिए हुए सदिश पर लंब है। वैसे तो वास्तव में ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, लेकिन प्रश्न की भाषा के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार कभी हम उसको बिंदु बोलते हैं, कभी वेक्टर बोलते हैं, कभी निर्देशांक बोलते हैं। ये एक प्रश्न की भाषा के ऊपर होता है, उससे आपको उसका अर्थ लगाना होता है कि आपको क्या चीज़ दी गई है और इस प्रश्न को हल करने के लिए कौन कौन से सूत्र लगाए जाएंगे। क्लियर? तो आपको याद होगा या आप पुराने वीडियो मेरे में देखना, मैंने आपको बतलाया था कि यदि हमारे लिए किसी ऐसे समतल का समीकरण ज्ञात करना होता है, सदिश समीकरण ज्ञात करना होता है समतल का, जो एक किसी विशेष दिए हुए बिंदु ए वेक्टर से होकर जाता है, साथ ही साथ दिए हुए सदिश एन वेक्टर पर लंब होता है, तो उसका समीकरण ज्ञात करने का सूत्र आपको बतलाया था मैंने, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इन डॉट एन बराबर जीरो होता है। और इस सूत्र को मैंने आपको बतलाया था, हम इस फॉर्म में भी लिख लेते हैं, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। तो इस सूत्र का प्रायः हम प्रयोग नहीं करते हैं, ये सूत्र तो आपका इस सूत्र का जो सत्यापन है उसमें निकल के आता है, फिर बाद में उसका रूप परिवर्तित करके हम ये रूप बन जाता है हमारा इस सूत्र का। तो हम प्रायः इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इस सूत्र का प्रयोग करने के लिए हमें एक तो चाहिए वेक्टर n जिस पर हमारा समतल लंब है, और एक चाहिए वेक्टर a जिस बिंदु से होकर हमारा समतल जाता है। तो प्रश्न की भाषा पढ़ने से हमें ज्ञात होता है ये बिंदु दिया हुआ है, इसका मतलब ये तो हमारा हो गया वेक्टर a बिंदु, और ये हमारा वो वेक्टर हो गया जिस वेक्टर पर हमारा दिया हुआ समतल लंब है। तो हम लिखेंगे दिया गया बिंदु जिससे समतल जाता है वेक्टर ए बराबर 2i कैप + 3j कैप - k कैप तथा दिया हुआ सदिश जिस पर समतल लंब है वेक्टर एन बराबर 3i कैप - 2j कैप - 2k कैप। अब हमारे लिए ए का मान भी ज्ञात है, वेक्टर ए का मान और वेक्टर एन का भी मान ज्ञात है। यदि इस सूत्र के अंदर हम वेक्टर एन और वेक्टर ए के मान यथास्थान लगा देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, तब उसकी गणना करने के बाद हमारे लिए समतल का अभीष्ट सदिश समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा अब सूत्र वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन से समतल का सदिश समीकरण। तो यहाँ पर तो आर के स्थान पर वेक्टर आर आ जाएगा और इस वेक्टर एन के स्थान पर आपका जो वेक्टर एन दिया हुआ है ये लगा देंगे यहाँ पर मान हम इसका 3i कैप - 2j कैप - 2k कैप बराबर आर एच एस में ए के स्थान पर इस बिंदु के एक वेक्टर ए का मान लगा देंगे और एन के स्थान पर इस वेक्टर एन का मान लगा देंगे और ये डॉट इनकी कर देंगे हम। वेक्टर के अंदर इनटू नहीं होता है, वेक्टर के अंदर गुणा नहीं होती है, वेक्टर के अंदर दो वेक्टरों की या तो डॉट प्रोडक्ट कहलाती है या क्रॉस प्रोडक्ट कहलाती है। परिस्थिति के अनुसार कभी हमें डॉट प्रोडक्ट याद करनी पड़ती है, कभी हमें क्रॉस प्रोडक्ट याद करनी पड़ती है। यहाँ पर ये जो है डॉट प्रोडक्ट का सूत्र है, इसलिए यहाँ पर हमें डॉट प्रोडक्ट ही करनी पड़ेगी। तो हमने ए का मान लगाया 2i कैप + 3j कैप - k कैप और ये एन का मान लगाया, वेक्टर एन का 3i कैप
माइनस दो जे कैप माइनस दो के कैप। अब इसकी हम डॉट करेंगे, इसकी डॉट नहीं करते हैं। अगर ये आपका समतल जो निकल के आएगा समतल का समीकरण, वो आपका सदिश समीकरण निकल के आएगा। यदि आपसे ये कहा जाए कि इसका कार्तीय रूप परिवर्तित करके बतलाइए, इसका कार्तीय रूप भी ज्ञात कीजिए, तो फिर आपको यहाँ पर वेक्टर आर का मान लगाना होगा और इससे इसकी डॉट करनी होगी जो आपका वेक्टर एन का मान है, तब आपका ये वेक्टर समीकरण जो है समतल का वह कार्तीय समीकरण में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपसे समतल का वेक्टर समीकरण पूछा हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर वेक्टर आर का मान नहीं लगाएंगे। ये वैसा का वैसा लिखा रहेगा एलएचएस में, वेक्टर आर डॉट तीन कैप माइनस दो जे कैप माइनस दो के कैप बराबर। जब हम इसकी डॉट करेंगे तो आपको दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट किस प्रकार से की जाती है इसके नियम ज्ञात होना चाहिए। इसके नियम के अनुसार आई डॉट आई कैप बराबर एक के होता है, जे डॉट जे कैप बराबर एक के होता है, और के कैप डॉट के कैप बराबर एक के होता है। और यदि ये अलग अलग प्रकार के हैं आई और जे, या आई और के, या के और आई, या के और जे, तो उनका डॉट जीरो आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आई कैप डॉट जे कैप इसकी वैल्यू जीरो आएगी, जे कैप डॉट के कैप इसकी वैल्यू जीरो आएगी, के कैप डॉट आई कैप इसकी वैल्यू जीरो आएगी। और यहाँ पर इसमें डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्रम विनिमय का नियम भी लागू हो जाता है, इसलिए जे कैप डॉट आई कैप का मान भी जीरो होगा और आपका के कैप डॉट जे कैप बराबर इसका मान भी जीरो होगा और आई कैप डॉट के कैप का मान भी जीरो होगा। अर्थात इन छह डॉटों का प्रोडक्ट तो जीरो आता है और इन तीन सूत्र जो है वो एक इसकी वैल्यू एक निकल के आती है। तो जब इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी इसकी डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट से मतलब नहीं हमारा, इसका करेंगे तो दो तीन छः तो ये आ जाएगा और आई कैप और आई कैप हो जाएगा वन, और दो और वन की गुणा होगी तो आ जाएगा दो तीन छः ये आ जाएगा, और आई डॉट की डॉट जब करेंगे प्रोडक्ट तो बन जाएगा छः, छः एकम छः। जब इसकी आई की जैसे करेंगे जीरो हो जाएगा, आई की कैसे डॉट करेंगे जीरो हो जाएगा। अब इसकी करनी है तीन जे की, इससे डॉट करेंगे जीरो हो जाएगा। जब जे तीन जे कैप की दो जे कैप से डॉट करेंगे तो ये प्लस की है ये माइनस की है, तो दो तीन या छः ये आपको प्राप्त हो जाएंगे, और जे कैप डॉट जे कैप इसका मान एक आएगा तो छः एकम छः आ जाएंगे, और ये तीन प्लस की है दो माइनस के, इसलिए माइनस के आ जाएंगे। जब इसकी इससे डॉट कर रहे होंगे तब जीरो आ जाएगा। अब इस माइनस के कैप से डॉट करेंगे तो जब इससे इसकी डॉट करेंगे जीरो हो जाएगा, इससे इसकी डॉट करेंगे जीरो हो जाएगा, और जब इससे इसकी डॉट करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, जे कैप का कोई भी गुणांक नहीं है, इसलिए एक माना जाएगा। तो एक की और दो की जब गुणा करेंगे तो दो प्राप्त होगा, और के वेक्टर और के वेक्टर ये यूनिट वेक्टर कहलाते हैं, इनकी जब हम डॉट करेंगे तो एक प्राप्त हो जाएगा, तो दो एकम दो ये आपको प्राप्त हो गया। आरएचएस में ये आपको प्राप्त हो गया, ये छह धनात्मक हैं और ये छह ऋणात्मक हैं, ये परस्पर कैंसिल हो जाएंगे, आरएचएस में आपका केवल दो बचेगा। तो आप लिख दीजिए वेक्टर आर डॉट तीन जे आई कैप, वेक्टर आर डॉट तीन आई कैप माइनस दो जे कैप माइनस दो के कैप बराबर जीरो, यही आपका समतल का समीकरण आ गया उत्तर। आप लिख सकते हैं यही समतल का अभीष्ट सदिश समीकरण है उत्तर। इस प्रकार से इसका जो मैंने वाक्य लिखा है
सेंटेंस लिखा है, इसका मतलब यह है कि ये जो हमारी लाइन लिखी हुई है, ये जो समीकरण लिखा है, यही हमारे उस समतल का समीकरण है, सदिश समीकरण है जो हमसे निकलवाया गया था। इस प्रकार से ये प्रश्न आप भली प्रकार से हल कर सकते हैं। आपकी पाठ्यपुस्तकों में इस प्रकार के कई प्रश्न दिए होंगे, उनको आप हल कीजिए, इसको भी समझने का प्रयास कीजिए, इसकी सहायता से उनको हल कीजिए और फिर इसके ऊपर आधारित जो समतल के सदिश समीकरणों के ऊपर आधारित और संख्यात्मक प्रश्न हैं वे आपको मैं आगे करके दिखलाऊंगा। आज का प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार, धन्यवाद।